हाय, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी की परीक्षा जो है वो अभी अभी फिनिश हुई है, ख़त्म हुई है, लेकिन इसका रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और इसके आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय वो परिपत्रक जो है वो आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखिए, टेट का रिजल्ट जो है वो फिलहाल तो इन्होंने रोड मैप के हिसाब से बताया था कि 3 मार्च को जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन आपको आप सबको पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और 3 मार्च तक जो है इसकी लगभग एग्जाम ही चली है। और इसका रिजल्ट को लेकर जो है परीक्षा परिषद के जो आयुक्त हैं महेश पालकर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए ये कहा है कि टेट परीक्षा मीन्स शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी की जो परीक्षा है इसका रिजल्ट जो है 20 मार्च से पहले पहले जाहिर कर दिया जाएगा। तो जब शिक्षण आयुक्त महेश पालकर परीक्षा परिषद के ये कह रहे कि 20 मार्च यानी 20 मार्च से पहले पहले इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो मे बी पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 20 मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाए। TET जैसा इसका नहीं होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है 2,40,000 से ज़्यादा बच्चों ने दी है, तो ऐसा है कि इसका जो रिजल्ट है वो 20 मार्च से पहले आने की बात हो रही है। साथ ही साथ रिजल्ट आने के बाद इसका क्या होगा कि पवित्र पोर्टल पे जो है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी यादें जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी। जैसा भी आपको पता है कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से होता है, तो वो लिस्ट जो है पवित्र पोर्टल पर जो है अपलोड कर दी जाएंगी। और उसके बाद जो है जो भी कैंडिडेट इसमें आते हैं, जो भी कैंडिडेट इस मेरिट लिस्ट में बैठते हैं, उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाएंगी। इस तरीके से बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो हम इसके रिजल्ट के ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि 20 मार्च से पहले पहले इसका रिजल्ट आ सकता है, ऐसा यहाँ पर हमारे परीक्षा परिषद के जो आयुक्त हैं महेश पालकर, इन्होंने एक न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए कही है। आगे की प्रोसेस वही होती है कि मेरिट लिस्ट लगेंगी, मेरिट लिस्ट लगने के बाद में जो है मतलब आपके डायरेक्ट नियुक्ति होंगी जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका या जो भी मतलब जो भी वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी स्कूल है वहाँ पर रहती है, तो डायरेक्ट नियुक्ति मेरिट लिस्ट के हिसाब से दी जाएंगी। उसके बाद कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। तो रिजल्ट के लिए जो है इसका 20 मार्च तक वेट कीजिए, इंशाल्लाह 20 मार्च तक इसका रिजल्ट आ ही जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर नोटिफिकेशन के साथ। खुदा हाफिज़।